हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सॉल्यूशंस। और इस वीडियो हम सीखने जा रहे हैं NMCLI टूल, कॉन्फिगरिंग एंड मैनेजिंग नेटवर्क कनेक्शन यूजिंग NMCLI टूल, नेटवर्क मैनेजर कमांड लाइन टूल। द कमांड लाइन टूल NMCLI कैन बी यूज्ड बाय बोथ यूजर्स एंड स्क्रिप्ट फॉर द कंट्रोलिंग नेटवर्क मैनेजर। द बेसिक फॉर्मेट ऑफ ए कमांड लाइन बेसिक फॉर्मेट ऑफ अ कमांड इज एज फॉलोज। सबसे पहले आपको लिखना है NMCLI, उसके बाद ऑप्शंस, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद कमांड। ठीक है, वेयर जहां पर ऑब्जेक्ट जनरल हो सकता है, जनरल, नेटवर्किंग, रेडियो, कनेक्शन, डिवाइस, एजेंट, इनमें से कोई भी एक यूज हो सकता है। अगर आपको नेटवर्क मैनेजर सर्विस का ओवरऑल स्टेटस चेक करना है तो उसके लिए आपको कमांड एग्जीक्यूट करना है NMCLI स्पेस जनरल स्पेस स्टेटस। अगर आपको नेटवर्क मैनेजर लॉगिंग को कंट्रोल करना है तो उसके लिए आपको कमांड एग्जीक्यूट करना है NMCLI स्पेस जनरल स्पेस लॉगिंग। अगर आपको डिवाइस का स्टेटस चेक करना है कि कौन कौन से डिवाइस अवेलेबल है और उनमें से कौन कौन से डिवाइस कनेक्टेड है, कौन से फाइल यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो इसके लिए आपको कमांड एग्जीक्यूट करना है NMCLI स्पेस डेव स्पेस स्टेटस। यहां पर देखिए, मैंने एक स्नैपशॉट यहां पर ऐड किया है जिसमें NMCLI कमांड यूज किया हमने, NMCLI स्पेस डेव स्पेस स्टेटस। ठीक है, ये कमांड एग्जीक्यूट किया तो इसका जो आउटपुट आ रहा है वो इस तरह डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर जो फर्स्ट कॉलम है ये रिप्रेजेंट करता है कि आपके सिस्टम में टोटल नेटवर्क डिवाइसेज कितने हैं। ठीक है, उनकी लिस्ट को डिस्प्ले करता है। जैसे यहां पर मेरे पास एक डिवाइस है ENO167736। ठीक है, ये एक डिवाइस है मेरे पास जो जिसका टाइप है इथरनेट और जो अभी कनेक्टेड बता रहा है, यहां पर डिस्प्ले कर रहा है कि ये अभी कनेक्टेड है, स्टेट बता रहा है कनेक्टेड। ठीक है, फोर्थ कॉलम ये रिप्रेजेंट करता है कि ये जो डिवाइस है कौन से कॉन्फिगरेशन फाइल यूज कर रहा है। ठीक है, तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है ये कहां पर स्टोर होती है, स्लैश etc के अंदर, सिस कॉन्फिग, उसके अंदर नेटवर्क स्क्रिप्ट एक डायरेक्टरी होती है, उसके अंदर ये सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल स्टोर होती है। ठीक है, जब भी हम नया कोई कनेक्शन क्रिएट करते हैं NMCLI या NMTOI कमांड के थ्रू, ठीक है, तो उसका जो रिजल्ट है एज ए कनेक्शन प्रोफाइल के रूप में इस डायरेक्टरी में सेव हो जाता है। ठीक है, इनको हम देखेंगे ये फाइल कहां पर स्टोर होती है और कैसे होती है। ठीक है, तो इनको हम देखेंगे बाद में। तो नेटवर्क डिवाइस का स्टेटस आप इस कमांड के थ्रू आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद कि अगर आपको कनेक्शन चेक करने हैं कि आपके सिस्टम में टोटल कनेक्शन कितने अवेलेबल हैं, कितने कनेक्शन आप क्रिएट कर चुके हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको तीनों में से कोई भी एक कमांड यूज करना। ठीक है, सबसे पहला NMCLI स्पेस कनेक्शन स्पेस शो। ठीक है, तो इसको आप शॉर्ट हैंड भी कर सकते हैं। जैसे कनेक्शन आपको पूरा नहीं लिख रहा है, आप कौन भी लिख सकते हो उसकी जगह सो। ठीक है, या फिर आप नॉर्मली NMCLI स्पेस सी स्पेस एस ये भी लिख सकते हैं, तो भी उसका आउटपुट सेम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये कमांड एग्जीक्यूट किया है जिसका आउटपुट यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। देखिए, सबसे पहले नेम बता रहा है कि आपके टोटल कनेक्शन कितने हैं, उनके नेम शो कर रहा है, फिर उनके UUID डिस्प्ले कर रहा है यहाँ पर, और फिर इन कनेक्शन का टाइप क्या है जो वहां पर डिस्प्ले कर रहा है। तो इनका जो टाइप है वो है इथरनेट, दोनों का ENO 167736 और STATIC 1, दो कनेक्शन यहाँ पर अवेलेबल है जिसका दोनों का टाइप इथरनेट है। ठीक है, और एक डिवाइस। ठीक है, अब ये जो कनेक्शन है किस डिवाइस पर यूज हो रहा है, ठीक है, वो यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है। जैसे STATIC 1 अभी किसी भी डिवाइस पर यूज नहीं हो रहा है। ठीक है, ये जो कनेक्शन है ये कनेक्शन इस डिवाइस पर यूज हो रहा है जो हमने यहाँ पर देखा था, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर ये कनेक्शन यूज हो रहा है इस डिवाइस पर। ठीक है, उसके बाद अगर आपको चेक करना है कि टोटल एक्टिव कनेक्शन कितने हैं, ठीक है, आपके सिस्टम में, तो उसके लिए आपको कमांड एग्जीक्यूट करना NMCLI स्पेस कनेक्शन स्पेस शो स्पेस -a। ठीक है, तो ये कमांड जो आपके एक्टिव कनेक्शन है उनकी लिस्ट आपको डिस्प्ले करेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जब हमने कमांड एग्जीक्यूट किया था तब यहाँ पर STATIC 1 भी डिस्प्ले हो रहा था जो कि एक्टिव मोड में नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, देखो इस आउटपुट में क्या बता रहा है हमें, जो कनेक्टेड है, जो एक्टिव है कनेक्शन, ठीक है, उन्हीं को डिस्प्ले कर रहा है, दूसरे कनेक्शन को ये डिस्प्ले नहीं कर रहा है। उसके बाद आपको
जैसे ये कमांड हमने जब एग्जीक्यूट किया था तो ये क्या बता रहा, टोटल लिस्ट ऑफ कनेक्शन डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है, कि आपके सिस्टम में कनेक्शन कितने टोटल, ठीक है। अगर आपको किसी स्पेसिफिक कनेक्शन की डिटेल चेक करनी है, ठीक है, तो उसके लिए आपको कमांड एग्जीक्यूट करना है NMCLI स्पेस कनेक्शन स्पेस सो स्पेस कनेक्शन नेम, ठीक है, NMCLI स्पेस कनेक्शन स्पेस सो, और फिर उस कनेक्शन का नाम आपको टाइप करना है। जैसे अगर आपको यहाँ पे स्टैटिक वन कनेक्शन की डिटेल चाहिए तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, स्टैटिक वन, ठीक है। फिर अगर आपको कनेक्शन स्टार्ट करना है, ब्रिंग अप करना है कोई कनेक्शन, तो उसके लिए कमांड है NMCLI स्पेस कनेक्शन स्पेस अप स्पेस कनेक्शन नेम। उसी तरह अगर कनेक्शन डाउन करना है तो उसके लिए यहाँ पर ये कमांड एग्जीक्यूट होगा NMCLI स्पेस कॉन स्पेस डाउन स्पेस कनेक्शन नेम, ठीक है। अगर आपको डिवाइस कनेक्ट करना कोई, तो उसके लिए कमांड यूज होता है NMCLI स्पेस डेव स्पेस कनेक्ट स्पेस डिवाइस नेम। अगर कोई डिवाइस आपको डिसकनेक्ट करना है तो उसके लिए आपको कमांड एग्जीक्यूट करना है NMCLI स्पेस डेव स्पेस डिसकनेक्ट स्पेस डिवाइस नेम। और यहाँ पर आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज ध्यान रखनी है कि जब भी आपको डिवाइस डिसकनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप यही कमांड यूज करें NMCLI स्पेस डेव स्पेस डिसकनेक्ट स्पेस डिवाइस नेम, ठीक है, यही कमांड यूज करें किसी भी कनेक्शन को डाउन करने के लिए ये कमांड आप नहीं यूज करें, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए कि जब आप ये कमांड यूज करेंगे, ठीक है, ये वाला NMCLI स्पेस कॉन स्पेस डाउन, ठीक है, ये कमांड आप यूज करेंगे तो ये कमांड क्या करेगा कि जो भी दूसरा कनेक्शन होगा उसको ऑटोमेटिक कनेक्ट कर देगा, ठीक है। जबकि ये कमांड क्या करता है, NMCLI डेव डिसकनेक्ट, ठीक है, ये क्या करता है कि उस डिवाइस को मैनुअल मोड में, उस इंटरफेस को मैनुअल मोड में प्लेस करता है, ठीक है। उस तो मैनुअल मोड में प्लेस करने के बाद में क्या होगा कि कोई भी कनेक्शन ऑटोमेटिक कनेक्ट नहीं होगा, ठीक है, जब तक कि यूजर नेटवर्क मैनेजर को ये बताए नहीं कि आपको ये कनेक्शन स्टार्ट करना है, ठीक है, तब तक, या फिर कोई एक्सटर्नल इवेंट जैसे कैरियर चेंज, हाइबरनेट और स्लीप अकर, ये नहीं अकर होते, तब तक वो कोई भी कनेक्शन कनेक्ट नहीं होगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिक कनेक्शन ना हो तो उसके लिए आप ये कमांड यूज करें। आप चाहते हैं कि अगर मैं कोई कनेक्शन डिसकनेक्ट कर रहा हूँ या डाउन कर रहा हूँ कोई कनेक्शन, ठीक है, तो उसके बाद दूसरा कनेक्शन ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाए, तो उसके लिए आपको ये कमांड यूज करना NMCLI कॉन डाउन, ठीक है। इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे उसमें। फिर यहाँ पर ये बता रहा है कि डायनेमिक कनेक्शन कैसे ऐड करते हैं, ठीक है, तो अगर आपको डायनेमिक कनेक्शन, डायनेमिक इथरनेट कनेक्शन ऐड करना है तो उसके लिए कमांड होता है NMCLI स्पेस कॉन स्पेस ऐड स्पेस टाइप। फिर यहाँ पे कनेक्शन का टाइप, जैसे हम इथरनेट यूज कर रहे हैं तो इथरनेट आपको टाइप करना है, फिर उस कनेक्शन का नाम, और फिर वो कनेक्शन किस इंटरफेस को आपको यूज करना है वो इंटरफेस का नेम आपको यहाँ पे टाइप करना है, ठीक है। इनमें देख लीजिए, टाइप द कनेक्शन टाइप है, कौन नेम कनेक्शन का नाम है, कनेक्शन प्रोफाइल को जो आप नेम असाइन कर रहे हैं वो यहाँ पर बता रहा है, इफ नेम फॉर द डिवाइस नेम विच इज असाइंड अवर कनेक्शन, यानी ये जो आप कनेक्शन क्रिएट कर रहे हो वो किस डिवाइस को आप असाइन करना चाहते हो उस डिवाइस का नेम आपको यहाँ पर टाइप करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम एक कनेक्शन क्रिएट कर रहे हैं इथरनेट कनेक्शन, और उस कनेक्शन का नेम हम प्रोवाइड कर रहे हैं माइकॉन वन, और उसको इस डिवाइस पर हम असाइन कर रहे हैं, तो उसके लिए कमांड होगा NMCLI स्पेस कॉन स्पेस एड स्पेस टाइप स्पेस इथरनेट स्पेस कॉन नेम कॉन हाइफन नेम स्पेस माइकॉन वन, फिर इफ नेम स्पेस डिवाइस नेम, ठीक है, ENO 1677736, ठीक है। जब भी आप ये कनेक्शन जैसे आप ये कमांड एग्जीक्यूट करेंगे तो ये कमांड क्या करेगा, नेटवर्क मैनेजर विल सेट इस इंटरनल पैरामीटर, यानी जो इसके इंटरनल पैरामीटर होगा उसको नेटवर्क मैनेजर, जैसे कनेक्शन डॉट ऑटो कनेक्ट, इसको यस कर देगा, ठीक है, और उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्रिएट करेगा /et/sysconfig/network के अंदर ifcfg-mycon1, ठीक है, और उसके अंदर ऑन बूट यस कर देगा, ठीक है, ताकि जब भी बूट हो तब ये कनेक्शन स्टार्ट हो जाए, ठीक है। और यहाँ पर बता रखा है कनेक्शन डॉट ऑटो कनेक्ट इज इक्वल टू यस, ठीक है, इसका मतलब है कि जैसे कोई दूसरा कनेक्शन क्रिएट है, ठीक है, अगर उसको आपने डाउन किया तो उसके बाद ये कनेक्शन ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये इसका मतलब ये होता है कनेक्शन डॉट ऑटो कनेक्ट, ठीक है। उसके बाद अगर आपको स्टैटिक
इथरनेट कनेक्शन कनेक्शन ऐड करना है इथरनेट कनेक्शन विद स्टैटिक आईपी, तब को ये कमांड यूज करना है। इनको हम यूज करके देखेंगे। अगर आपको मॉडिफाई करना है तो ये, ठीक है, तो चलिए इसको प्रैक्टिकली हम देख लेते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। सबसे पहले टर्मिनल ओपन कीजिए और सबसे पहले हम नेटवर्क मैनेजर सर्विस का जनरल ओवरऑल स्टेटस चेक कर लेते हैं। NMCLI स्पेस जनरल स्पेस स्टेटस, तो यहां पर ये नेटवर्क मैनेजर सर्विस का जो जनरल स्टेटस है वो यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है, ओवरऑल स्टेटस यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है। इंटरनेट कनेक्टेड, कनेक्टिविटी फुल, वाईफाई हार्डवेयर इनेबल, वाईफाई इनेबल, WAN, ठीक है, ये यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है। अगर आपको लॉगिंग नेटवर्क मैनेजर लॉगिंग को कंट्रोल करना है तो उसके लिए कमांड होगा जनरल लॉगिंग, तो यहाँ पर ये डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर आपको कनेक्शन जितने भी इसमें डिवाइस है आपके सिस्टम में उनका स्टेटस अगर आपको चेक करना है डिस्प्ले करना है, ठीक है, तो उसके लिए कमांड है NMCLI स्पेस डेव स्पेस स्टेटस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये डिस्प्ले कर रहा है कि आपके सिस्टम में इतने सारे डिवाइस हैं, ठीक है, तो ओरिजिनल ये इथरनेट कनेक्शन हमारे यहाँ पर एक इथरनेट कनेक्शन है, इथरनेट डिवाइस है यहाँ पर, जो एक डिवाइस है ENO16777736, ठीक है, इसका टाइप है इथरनेट और अभी ये कनेक्टेड है और कनेक्शन है जो इस ये जो डिवाइस है, ठीक है, अभी कौन सी कॉन्फ़िगरेशन फाइल यूज कर रहा है, ये वाली फाइल यूज कर रहा है, ठीक है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं cd/etc/sysconfig और उसके अंदर नेटवर्क स्क्रिप्ट, यानी ये जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो कहाँ पर स्टोर है, इस डायरेक्टरी के अंदर, ठीक है। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं ls-l कमांड की सहायता से, यहाँ पर देखिए बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, तो अभी जो ये फाइल यूज कर रहा है ये वाली, ठीक है, इस कनेक्शन के लिए वो ये फाइल यूज कर रहा है, ठीक है, IFCFG-ENO16777736, ठीक है। तो हम ब्रीफली देख लेते हैं, जैसे अभी ये कनेक्ट ये प्रोफाइल यूज कर रहा है, ठीक है, ये कनेक्शन यूज कर रहा है, ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल, ठीक है। अभी हम आईपी कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेते हैं, ENO16, ठीक है, अभी जो इसका कॉन्फ़िगरेशन है आईपी एड्रेस, ठीक है, वही है 192.168.10.1, ठीक है। अब हम इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल का कंटेंट चेक कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर आईपी एड्रेस यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है 192.168.10.1, प्रीफिक्स लेंथ 24, गेटवे है 10.1, DNS1 है 10.1, डोमेन नेम mysolutions.com, ठीक है, और यहाँ पर टाइप है इथरनेट, बूट प्रोटो नन और ऑन बूट यस यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। तो यही आईपी कॉन्फ़िगरेशन ये यहाँ पर यूज कर रहा है, देखिए यहाँ पर 192.168.10.1, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं, यानी इस फाइल में जो कॉन्फ़िगरेशन जो आपने इस फाइल में जो कंटेंट है जो कॉन्फ़िगरेशन सेव है वो ही इस डिवाइस पर यूज रहा है, ये जो डिवाइस है, ठीक है, अभी ये फाइल यूज कर रहा है, ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल यूज कर रहा है, ठीक है। अभी हम फिर उसके बाद हम नए कनेक्शन क्रिएट करेंगे और उस कनेक्शन को हम इस डिवाइस पर यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपको कनेक्शन चेक करने के आपके सिस्टम में कनेक्शन कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ कनेक्शन कितने हैं, तो उसके लिए आपको कमांड यूज करना है NMCLI CONSOL, ठीक है। तो यहाँ पर ये डिस्प्ले कर रहा है कि आपके डिवाइस में आपके सिस्टम में कितने कनेक्शन अवेलेबल है, तो हमारे पास अभी एक कनेक्शन अवेलेबल है ENO16777736, ठीक है, और ये जो कनेक्शन है, ठीक है, ये किस डिवाइस पर यूज हो रहा है, इस डिवाइस पे, इस कनेक्शन का टाइप क्या है, इथरनेट कनेक्शन है, ठीक है। उसकी जगह
जैसा हमने बताया था पहले कि आप इसको शॉर्टन भी कर सकते हैं, तब भी देखिए आउटपुट सेम आ रहा है। ठीक है, अगर आपको चेक करना है कि टोटल एक्टिव कनेक्शन कितने हैं, तो उसके लिए आपको कमांड यूज करना है NMCLI स्पेस सी स्पेस एस स्पेस हाइफन ए। ठीक है, तो यहाँ पर ये डिस्प्ले करेगा टोटल नंबर ऑफ एक्टिव कनेक्शन कितने हैं। तो हमारे पास अभी एक ही कनेक्शन है और वो भी एक्टिव है, इसलिए यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है। अगर कोई और भी कनेक्शन होते तो वो सब यहाँ पर डिस्प्ले होते इस कमांड के आउटपुट में। ठीक है, और यहाँ पर जो एक्टिव कनेक्शन होते हैं वही डिस्प्ले होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आपको किसी स्पेसिफिक कनेक्शन की कुछ चेक करना है या शो करना है, तो उसके लिए आप कमांड यूज करना है NMCLI स्पेस कनेक्शन शो स्पेस कनेक्शन नेम। ठीक है, तो ये देखिए यहां पर इसकी डिटेल बता रहा है। ठीक है, कि इस कनेक्शन का आईपी एड्रेस कौन सा कॉन्फिगर है इस कनेक्शन में 192.168.10.1 और प्रीफिक्स लेंथ है 24, गेटवे है 192.168.10.1, डीएनएस सर्वर है 192.168.10.1। ठीक है, यहाँ पर सभी डिटेल बता रहा है, आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर डीएनएस सर्च बता रहा है mysolutions.com आईपी वर्जन 4 एड्रेस ये डिस्प्ले कर रहा है। डीएनएस सर्वर बता रहा 192.168.192.168.10.1। ठीक है, और मेथड है मैन्युअली, यानी मैन्युअली इसको कॉन्फिगर किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह आप किसी स्पेसिफिक कनेक्शन की डिटेल भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको किसी कनेक्शन को अप करना है, ठीक है, सबसे पहले हम एक इथरनेट कनेक्शन क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक डायनेमिक इथरनेट कनेक्शन क्रिएट करते हैं, उसके लिए हम कमांड यूज करेंगे NMCLI कॉन एड टाइप इथरनेट, और उसके बाद कॉन नेम, तो जैसा हमने पीपीटी में देखा था वही हम कनेक्शन क्रिएट कर रहे हैं माई कॉन 1। ठीक है, और इफ नेम ENO 1677736। ठीक है, ये जो हम कनेक्शन क्रिएट कर रहे हैं वो हम इस डिवाइस पर हम असाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये बता रहा सक्सेसफुली एड हो चुका कनेक्शन। ठीक है, अब चेक कर लीजिए NMCLI सी स्पेस एस। ठीक है, यहाँ पर एक कनेक्शन एड हो चुका है माई कॉन 1। ठीक है, और ये अभी किसी भी डिवाइस पर अभी यूज नहीं, हमने असाइन किया लेकिन अभी कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये बता रहा है, तो अभी ये शो कर रहा है कि अभी कनेक्शन एक्टिव नहीं है, किसी भी डिवाइस पर अभी यूज नहीं हो रहा है। ठीक है, अब हम कमांड यूज करते हैं NMCLI सी स्पेस एस हाइफन ए एक्टिव कनेक्शन चेक करते हैं। देखिए अब की बार एक्टिव कनेक्शन यही डिस्प्ले कर रहा है, माइकॉन 1 कनेक्शन यहाँ पर डिस्प्ले नहीं कर रहा है। ठीक है, क्योंकि माइकॉन 1 अभी एक्टिव नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि जो हमने आप कनेक्शन क्रिएट किया था, ठीक है, अभी उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, इस डायरेक्टरी के अंदर ifcfg-mycon1। ठीक है, और उसका कंटेंट आप चेक कर सकते हैं ifcfg-mycon1। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बता रहा है बूट प्रोटो डीएससीपी और ऑन बूट यहाँ पर यस कर दिया नेटवर्क मैनेजर ने, डिवाइस का नेम है ये और नेम है माइकॉन 1। ठीक है, यानी अभी जो इसको आईपी कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा वो किससे मिलेगा, डीएससीपी सर्वर से। जो आईपी एड्रेस मिलेगा वो डीएससीपी सर्वर के थ्रू असाइन होगा। ठीक है, तो इस तरह आप डायनेमिक इथरनेट कनेक्शन आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह अगर आपको स्टैटिक इथरनेट कनेक्शन क्रिएट करना है, ठीक है, तो उसके लिए जैसे अभी हम क्रिएट करने जा रहे हैं एक इथरनेट कनेक्शन विद स्टैटिक आईपी। ठीक है, नया इथरनेट कनेक्शन क्रिएट कर रहे हैं विद स्टैटिक आईपी कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो उसके लिए कमांड होगा NMCLI स्पेस कॉन स्पेस एड स्पेस टाइप स्पेस इथरनेट कनेक्शन का टाइप और कनेक्शन नेम हम असाइन कर रहे हैं My static connections। ठीक है, और उसके बाद if name ENO और उसके बाद इसको मैं आईपी एड्रेस सेंड कर रहा हूं 192.168.90.1। ठीक है, और उसके बाद गेटवे
असाइन कर रहा हूँ 192.168, सॉरी यहाँ पर आपको /24, ठीक है, शेयर डेटा वैल्यू भी आपको प्रोवाइड करनी है, गेटवे 192.168.90.9, ठीक है, ये हम एक नया इथरनेट कनेक्शन क्रिएट कर रहे हैं विद स्टैटिक आईपी कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, तो उसके लिए आपको ये कमांड एग्जीक्यूट करना होगा, यानी एक नया इथरनेट कनेक्शन क्रिएट होगा जिसका नेम होगा माय स्टैटिक और जो डिवाइस पर असाइन होगा वो डिवाइस होगा ENO16777736, ठीक है, और उसका आईपी एड्रेस होगा 192.168.90.1 और उसका जो प्रीफिक्स लेंथ होगी वो होगी /24, ठीक है, और गेटवे होगा 192.168.90.9, ठीक है, एंटर कर दीजिए, तो देखिए यहाँ पर सक्सेसफुली एड हो चुका है। अब आप चेक कर लीजिए कनेक्शन टोटल, तो देखिए यहाँ पर एक और कनेक्शन यहाँ पर माय स्टैटिक एड हो चुका है, ठीक है, और यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं इफ कॉन्फिग, ठीक है, अभी इसका आईपी एड्रेस यूज हो रहा है 192.168.10.1, इस डिवाइस पर अभी जो आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर है वो ये है, ठीक है, क्योंकि इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल कौन सी यूज हो रही थी, अभी कौन सी कॉन्फ़िगरेशन फाइल यूज हो रही है ENO16777736, ठीक है, अब मैं इसको डाउन कर देता हूँ कनेक्शन को, यदि आपको कोई कनेक्शन डाउन करना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको कमांड यूज करना है NMCLI कनेक्शन डाउन, ठीक है, अभी मैं कनेक्शन डाउन कर रहा हूं, ठीक है, ये अब चेक कर लीजिए डेव स्टेटस, तो देखिए अब यहां पर जैसे आपने कमांड एग्जीक्यूट किया, ठीक है, तो इसने अभी जो नई अभी ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन फाइल यूज करा, माय स्टैटिक 1, देखिए पहले कौन सी यूज हो रही थी, ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल यूज हो रही है, अभी कौन सी कॉन्फ़िगरेशन फाइल यूज हो रही है, माय स्टैटिक 1, यानी जो हमने नया कनेक्शन क्रिएट किया माय स्टैटिक, ये कनेक्शन यहाँ पर यूज हो रहा है, ठीक है, और इसका आईपी कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लीजिए, तो देखिए अब जो इसका आईपी एड्रेस डिस्प्ले हो रहा है वो यहाँ पर देख लीजिए 192.168.90.1 और सबनेट मास्क उसका यूज हो रहा है 255.255.255.0, ठीक है, तो यहाँ पर अभी जो इस कनेक्शन में जो हमने एट्रिब्यूट सेट किए जो वैल्यू सेट की है वो वैल्यू यहाँ पर यूज हो रही है, जो आईपी एड्रेस हमने यहाँ पर कॉन्फिगर किया था इस कनेक्शन के लिए, ठीक है, वो आईपी एड्रेस यहाँ पर इस डिवाइस पर अभी यूज हो रहा है, ठीक है, तो आप इस तरह अलग अलग कनेक्शन क्रिएट करके जैसे आपकी रिक्वायरमेंट हो उस कनेक्शन को उस समय यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन डिटेल चेक कर लीजिए, तो देख लीजिए यहाँ पर बूट प्रोटोन है, आईपी एड्रेस 192.168.90.1, प्रीफिक्स लेंथ 24, गेटवे 192.168.90.9, ठीक है, और ये सारी डिटेल यहाँ बता रहा है, कनेक्शन नेम है माय स्टैटिक और जिस डिवाइस पर यूज हो रहा है वो डिवाइस का नेम यहाँ पर आपको डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है, तो इस तरह आप डायनेमिक इथरनेट कनेक्शन और स्टैटिक इथरनेट कनेक्शन आप यूज क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, उसके बाद अगर आपको कनेक्शन को मॉडिफाई करना है तो जैसे मैं स्टैटिक कनेक्शन को मॉडिफाई करना चाहता हूं, ठीक है, तो मॉडिफाई करने से पहले हम चेक कर लेते हैं, देखिए अभी यूज हो रहा माय स्टैटिक 1, ठीक है, जैसे हमने ये कमांड एग्जीक्यूट किया था डाउन, ठीक है, तो तुरंत उसने ऑटोमेटिक इस कनेक्शन को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया था, ठीक है, ये प्रोफाइल ये यूज कर ली थी इसने, ठीक है, जो हमने पीपीटी में देखा था कि जब भी आप ये कमांड यूज करेंगे तो ये दूसरा कनेक्शन ऑटोमेटिक कनेक्ट कर देगा, ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि दूसरा जो कनेक्शन है वो ऑटोमेटिक क्रिएट ना कनेक्ट ना हो तो उसके लिए आपको कमांड यूज करना है NMCLI dev disconnect और फिर उसके बाद में कनेक्शन नेम, तो देखिए अभी यहाँ पर देखिए यहाँ पर कोई भी कनेक्शन यहाँ पर यूज नहीं हो रहा, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल यहाँ पर यूज नहीं हो रही, ठीक है,
देखिए अभी यहाँ पर कोई आईपी एड्रेस भी कॉन्फ़िगर नहीं बता रहा क्योंकि कोई कनेक्शन यहाँ पर यूज नहीं हो रहा इस डिवाइस पर, ठीक है। तो जब भी आप ये कमांड एग्जीक्यूट करेंगे तब ये कमांड क्या करेगा कि उस इंटरफेस को मैनुअल मोड में ऐड कर देगा, ठीक है। तो जब तक आप नेटवर्क मैनेजर को बताएंगे नहीं कि आपको डिवाइस कनेक्ट करना है या फिर स्लिप मोड में नहीं जाएगा, हाइबरनेट मोड, ऐसा कोई एक्सटर्नल इवेंट अकर नहीं होगा, तब तक ये कनेक्शन, ये डिवाइस यूज नहीं होगा, ये डिवाइस कनेक्ट नहीं होगा, ठीक है। अभी देखिए आप बता रहा डिसकनेक्टेड, ठीक है, जबकि आप पहले बता रहा था कनेक्टेड, ठीक है। तो इस तरह आप यूज कर सकते हैं, ये कमांड आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर से अगर आपको कनेक्ट करना है NMCLI स्पेस dev कनेक्ट और फिर उस कनेक्शन डिवाइस का नेम आपको यहाँ पे टाइप करना है, ठीक है। अब देखिए, देखिए फिर से कनेक्टेड हो चुका है और कनेक्शन यहाँ पर बता रहा है कनेक्शन, ठीक है। तो इस तरह आप दोनों कमांड यूज कर सकते हैं। अगर आपको डिवाइस को डिसकनेक्ट करना है तो आप ये यूज करेंगे NMCLI डिवाइस डिसकनेक्ट और डिवाइस नेम, ठीक है। अगर कनेक्ट करना है तो डिसकनेक्ट की जगह आपको सिर्फ कनेक्ट यूज करना है, NMCLI स्पेस डिवाइस स्पेस कनेक्ट स्पेस कनेक्ट डिवाइस नेम, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा आपको कनेक्शन नेम आप प्रोवाइड नहीं कर सकते, सिर्फ यहाँ पर जो डिवाइस अवेलेबल डिवाइस है वो डिवाइस नेम ही आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद NMCLI स्पेस कनेक्शन शो, ठीक है, ये कनेक्शन यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए बता रहा है कि ये जो कनेक्शन है वो किस डिवाइस पर यूज कर रहा है, ठीक है, वो यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। उसके बाद अब मैं ये जो कनेक्शन है इसको मैं अप करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि इस डिवाइस पर ये वाला कनेक्शन मैं यूज करना चाहता हूं, ठीक है। तो इसके लिए आपको इस कनेक्शन को अप करना पड़ेगा, तो इसके लिए कमांड है NMCLI स्पेस कनेक्शन अप, ठीक है, उसके बाद कनेक्शन नेम। तो देखिए ये कनेक्शन सक्सेसफुल यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है, आप चेक कर लीजिए फिर से। देखिए अब जो कनेक्शन यूज हो रहा है, कौन सा यूज हो रहा है, ये कनेक्शन यहाँ पर इस डिवाइस पर यूज हो रहा है, पहले इस डिवाइस पर ये कनेक्शन यूज हो रहा था माई स्टैटिक, ठीक है, जबकि अब की बार कौन सा कनेक्शन यूज हो रहा है, ये कनेक्शन, ठीक है, ENO, ठीक है, इस डिवाइस पर अब ये कनेक्शन यूज हो रहा है। फिर से आईपी कॉन्फ़िगरेशन आप चेक कर लीजिए, तो देखिए अब की बार जो आईपी एड्रेस यूज हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, 192.168.10.1, ठीक है। फिर से अगर आप डाउन करते हैं कनेक्शन को, ठीक है, अब फिर से चेक कर लीजिए, तो देखिए जैसे आपने इस कनेक्शन को डाउन किया, ठीक है, तो ऑटोमेटिक ये कनेक्शन कनेक्ट हो गया माई स्टैटिक, ठीक है, ऑटो कनेक्ट हो गया, ठीक है। और इसका आईपी एड्रेस चेक कर लीजिए, तो देखिए अब की बार फिर से इसका आईपी एड्रेस यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है 192.168.90.1, ठीक है। तो जैसे आपने ये कनेक्शन डाउन किया तो ऑटोमेटिक ये कनेक्शन यहाँ पर कनेक्ट हो गया है, ठीक है। यदि आप चाहते हैं कि जो कनेक्शन आपने क्रिएट किया है वो पर्टिकुलर कनेक्शन ऑटो कनेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, कमांड एग्जीक्यूट करना है, मॉडिफाई करना है इस कनेक्शन को, और उसमें NMCLI, पहले हम इसको चेक कर लेते हैं, NMCLI कनेक्शन सो माई स्टैटिक। अब यहां पर एक प्रॉपर्टी है, ये देखिए कनेक्शन डॉट ऑटो कनेक्ट, ठीक है, यहां पर यस बता रहा है, ठीक है। तो यहां पर कनेक्शन डॉट ऑटो कनेक्ट यहां पर यस डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये कनेक्शन क्या होगा, जब भी कोई दूसरा कनेक्शन डाउन करेंगे आप तो ये कनेक्शन ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यदि आप चाहते हैं कि ये कनेक्शन ऑटोमेटिक कनेक्ट ना हो, ऑटो कनेक्ट ना हो, तो उसके लिए आपको इस प्रॉपर्टी को चेंज करना होगा, और यस जहां पर यस आ रहा है वहां पर आप क्या करना है, नो। तो चलिए हम देख लेते हैं इसको करके,
NMCLI space con mod space connection name, उसके बाद connection dot auto connect no, ठीक है। अब चेक कर लीजिए, तो देखिए यहां पर कनेक्शन डॉट ऑटो कनेक्ट यहां पर वैल्यू हो गई 9, ठीक है। NMCLI C++, ठीक है। अभी ये कनेक्टेड है, अब मैं फिर से NMCLI कनेक्शन शो अप और इसको इस कनेक्शन को अप कर देता हूं, ठीक है। और यहां पर ये देखिए फिर से इस डिवाइस पर ये कनेक्शन यहां पर यूज हो रहा है, ठीक है। अब मैं इस कनेक्शन को डाउन करता हूं, ठीक है। तो देखिए अब की बार ये माई कनेक्ट जो कनेक्शन था वो यहां पर यूज नहीं हुआ है, ठीक है। ठीक है, पिछली बार क्या हुआ था, जैसे हमने डाउन किया था तो ये जो कनेक्शन है ऑटोमेटिक कनेक्ट हो गया था, क्योंकि वहां पर हमने पैरामीटर सेट किया हुआ था, ऑटोमेटिक डिफॉल्ट पैरामीटर था कनेक्शन डॉट ऑटो कनेक्ट इज इक्वल टू यस, इसलिए ये कनेक्शन क्या हो गया, ऑटोमेटिक कनेक्ट हो गया था, ठीक है। तो अब की बार ये कनेक्शन यहाँ पर यूज हुआ है इस डिवाइस पर, ठीक है। ये कनेक्शन जब तक मैन्युअली नहीं करोगे आप, अगर आप इस कनेक्शन को यूज करना चाहते हो माई स्टैटिक को, तो इसको आपको मैन्युअली अप करना पड़ेगा, ठीक है। तो यदि आप चाहते हैं कि कोई डिवाइस कोई कनेक्शन ऑटो कनेक्ट ना हो, तो उसका जो पैरामीटर है कनेक्शन डॉट ऑटो कनेक्ट, इसको आप नो सेट कर दीजिए। तो जब भी आप किसी दूसरे कनेक्शन को डाउन करेंगे तो ये जो जिस कनेक्शन में आपने ऑटो कनेक्ट कनेक्शन डॉट ऑटो कनेक्ट नो वैल्यू सेट किया है, ठीक है, वो कनेक्शन ऑटोमेटिक सेट कनेक्ट नहीं होगा, ऑटोमेटिक यूज नहीं होगा, ठीक है, ऑटो कनेक्ट नहीं होगा, ठीक है, उसको आपको मैन्युअली कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यदि आप चाहते हैं कि ये जो कनेक्शन आपने क्रिएट किया है, ठीक है, माय स्टैटिक या माय कॉन वन, ठीक है, आप चाहते हैं कि कोई स्पेसिफिक यूजर अकाउंट इसको यूज कर पाए, ठीक है, तो उसके लिए भी आप पैरामीटर सेट कर सकते हैं। यहां पर आप चेक कर सकते हैं NMCLI space C space S देखिए यहां पर अभी बता रहा कनेक्शन डॉट परमिशंस, अभी यहां पर कोई भी डिस्प्ले नहीं हो रहा, मतलब सभी यूजर्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, परमिशंस पर किसी एक स्पेसिफिक यूजर को इस कनेक्शन पर परमिशन सेट कर देते हैं, ठीक है, ताकि वही यूजर्स को यूज कर पाए, ठीक है, जैसे हम रूट को ही कर देते हैं, ठीक है, या फिर चलिए NMCLI स्पेस कॉन मॉड और स्पेस मॉडिफाई के आप मॉड भी लिख सकते हैं, शॉर्ट एंड आप कर सकते हैं, ठीक है, कनेक्शन सॉरी कनेक्शन नेम माय स्टैटिक वन कनेक्शन डॉट सॉरी माय स्टैटिक कनेक्शन का नाम है डॉट परमिशंस, और मैं इसको असाइन करूं माय सॉल्यूशंस, ठीक है। अब चेक कर लीजिए NMCLI C स्पेस S सॉरी हमने कमांड गलत लिखा था NMCLI C स्पेस S, ठीक है, तो यहां पर देख लीजिए परमिशंस में देखिए यहां पर यूजर यहां पर असाइन हो गया माय सॉल्यूशन, यानी माय हिस्टोरिक कनेक्शन को अब माय सॉल्यूशन यूजर यूज कर सकता है, दूसरा यूजर इसको यूज नहीं कर सकता, ठीक है। और अगर आपको मल्टीपल यूजर्स आपको डिफाइन करने हैं, ठीक है, इसी कनेक्शन पर मल्टीपल यूजर्स इसको यूज कर सके, ठीक है, तो उसके लिए आपको कमांड एग्जीक्यूट करना होगा यूजर्स, ठीक है, यूजर, और फिर आपको वन बाय वन यूजर के नेम प्रोवाइड करना है A1, A2, ठीक है, इस तरह आपको प्रोवाइड करना है, ठीक है, अभी मैं प्रोवाइड नहीं कर रहा हूं, ठीक है।
उसके बाद बात करते हैं कि कनेक्शन को मॉडिफाई कैसे किया जाता है। जैसे हमने मॉडिफाई हमने यूज ऐड करना सीखा था, जैसे कनेक्शन डॉट ऑटो कनेक्ट हमने मॉडिफाई किया था उसका पैरामीटर, ठीक है, कनेक्शन डॉट परमिशंस को हमने मॉडिफाई किया था। उसके बाद हम बात कर रहे हैं जैसे कि अगर आपको आईपी एड्रेस चेंज करना है किसी कनेक्शन का, ठीक है, या कोई मेथड आपको चेंज करना है, ठीक है, तो वो कैसे करते हैं, तो उसके लिए आपको कनेक्शन को मॉडिफाई करना पड़ेगा। जैसे अभी जो हमारा कनेक्शन है NMCLI CS और माई स्टैटिक, ठीक है, ये कनेक्शन है NMCLI CS, ठीक है, और NMCLI CS माई स्टैटिक, ठीक है। यहाँ पर अभी जो आईपी एड्रेस यूज हो रहा है, ठीक है, वो ये यूज हो रहा है और गेट पर ये यूज हो रहा है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि इसको मुझे मॉडिफाई करना है, ठीक है, तो कैसे करते देख लीजिए, NMCLI कॉन मोड और आपका कनेक्शन का नेम और उसके बाद IPv4.addresses स्पेस 192.168. मैं इसको असाइन कर रहा हूं 100.1/24 स्पेस गेटवे में असाइन कर रहा हूं 192.168.100.100, ठीक है, और उसके बाद इस कनेक्शन को मैं मेथड चेंज कर देता हूं। अभी तो मैं मेथड का डिफॉल्ट मैन्युअली था, ठीक है, अगर आपको मेथड चेंज करना है इस कनेक्शन का तो आप यहां से कौन मॉडिफाई माई स्टैटिक मेथड सॉरी IPv4.method मैन्युअल, ठीक है, और उसके बाद मैं इसको अब कर देता हूं माई स्टैटिक, ठीक है, अब मैं इसको अब हो गया। उसके बाद में मैं चेक कर लेता हूं NMCLI कनेक्शन सो माई स्टैटिक, तो देखिए यहां पर हमने जो पहले इसका आईपी एड्रेस था 192.168.90.1, ठीक है, अब क्या हो गया 192.168.100.1 मेथड है मैनुअल, ठीक है, जो यहां पर थी पहले से मेथड मैनुअली सेट थी, ठीक है, तो भी अगर आप चेंज करना चाहते हो वहां से चेंज कर सकते हैं, गेटवे का ये यूज हो रहा है, ठीक है, तो इस तरह आप चेंज कर सकते हैं। उसी तरह अगर आपको डीएनएस चेंज करना है तो जैसे अभी यहाँ पर डीएनएस कोई भी यूज नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आप यहां से इसको चेंज कर सकते हैं। डीएनएस से ऐड करने से पहले अभी हमने ये कमांड यूज किया था, ठीक है, अभी हम 7.0 यूज कर रहे हैं, आजकल 7.0, ठीक है, उसमें ये कमांड आईपी, अगर आपको आईपी एड्रेस चेंज करना है तो उसके लिए कमांड यूज होता है, ठीक है। अगर आप आरएचएल 7.1 यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको आईपी एड्रेस चेंज करने के लिए कमांड यूज होगा ये, ठीक है। अगर आपको जैसे अभी जो हमने 7.0 में आपने कॉन्फिगर किया था, ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया था कि आईपी एड्रेस और गेटवे दोनों एक साथ प्रोवाइड किया था, ठीक है। अगर आप 7.1 यूज कर रहे हैं तो उसके लिए आपको ये कमांड यूज करना है, ठीक है, आईपी एड्रेस के लिए 192.168 जो भी आप आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना चाहते हैं और उसकी प्रीफिक्स लेंथ, ठीक है। अगर आप गेटवे प्रोवाइड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको आईपी वर्जन 4 गेटवे और फिर जो भी गेटवे आप प्रोवाइड करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर टाइप करना है, ठीक है। तो ये 7.1 के लिए है, अभी जो हमने यूज किया था वो 7.0, अभी हम 7.0 यूज कर रहे हैं, ठीक है। उसी तरह अगर आपको डीएनएस ऐड करना है, ठीक है, तो जैसे मैं दो डीएनएस यूज करना चाहता हूं, NMCLI कॉन मोड माई स्टैटिक IPv4.dns और दो डीएनएस में इसको ऐड करना चाहता हूँ 8.8.8
और 8.8.4.4 चेक कर लीजिए NMCLI कौन सो माइस्टेटिक। तो देखिए यहां पर DNS सर्वर ऐड हो चुका है 8.8.8 और 8.8.4.4 ठीक है। तो इस तरह आप यहां पर ऐड कर सकते हैं। और एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि जब आप ये कमांड यूज कर रहे हैं ठीक है, ये वाला कमांड जब आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो ये कमांड क्या करेगा, जो भी प्रीवियसली जो वैल्यू सेट होगी उसको ये क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा ठीक है। आप चाहते हैं कि जो प्रीवियस वैल्यू वो भी रहे और साथ में न्यू वैल्यू भी एड हो जाए ठीक है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर प्लस यूज करना, प्लस प्रीफिक्स यूज करना ठीक है, जैसे हम आईपी एड्रेस एड करना चाहते हैं ठीक है। तो हमने ये आईपी एड्रेस यूज किया था ठीक है। अब मैं अगर ये कमांड फिर से एग्जिट करूंगा तो ये पुरानी वैल्यू जो पुराना आईपी एड्रेस था उसको रिप्लेस कर देगा ठीक है। आप चाहते हैं कि पुराना आईपी एड्रेस भी रहे और साथ में नया भी ऐड हो जाए एंड पुरानी वैल्यू भी रहे साथ में न्यू वैल्यू भी ऐड हो जाए, तो उसके लिए आप ये यूज कर सकते हैं ठीक है। अब चेक कर लीजिए तो देखिए यहां पर 100.1 भी यहां पर है अवेलेबल और 192.168.200.1 ये भी यहां पर यूज हो रहा है ठीक है, 192.168.200.1 ठीक है। और गेटवे यानी दोनों वैल्यू जो हमने ऐड किया था नया वो भी ऐड हो चुका है और पुरानी जो ऐड थी वैल्यू ठीक है वो भी यहां पर ऐड हो चुकी है, ऑलरेडी एडेड है ठीक है। तो पुरानी वैल्यू को इसने रिप्लेस नहीं किया। तो ये कमांड कब यूज करेंगे, जब आप चाहते हैं कि एडिशनल वैल्यू आप ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्लस प्रीफिक्स लेंथ, प्लस प्रीफिक्स यहां पर यूज करना है। अगर आप रिप्लेस करना चाहते हैं तो आपको प्लस यहां पर यूज नहीं करना है ठीक है। अब चेक कर लीजिए कनेक्शन को NMCLI स्पेस सी स्पेस एस, तो यहां पर अभी माई स्टैटिक कनेक्शन यूज हो रहा है। आईपी कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लीजिए, तो देखिए अभी इसका करंट आईपी एड्रेस यूज हो रहा है 192.168.100.1 जो भी जो हमने यहां पर कॉन्फ़िगर किया हुआ था ठीक है। तो इस तरह आप NMCLI कमांड के थ्रू नेटवर्क मैनेजर को आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन जरूर प्रेस करें और मेरे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।